पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। दरअसल कूचबिहार में बीजेपी शांति यात्रा निकाल रही थी, तभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली को आगे बढ़ने से रोक दिया और इसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक बार फिर भिड़ंत हुई। कूच बिहार में बीजेपी शांति यात्रा निकाल रही थी, तभी तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रैली को आगे बढ़ने से रोका और दोनों पार्टियों के समर्थक एक दूसरे से भिड़ गए। टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया, वहीं बीजेपी ने भी मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस घटना के बाद मौके पर पहुंची तो दफ्तरों में भारी तोड़फोड़ नजर आई। इसके बाद दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। आपको याद होगा कुछ समय पहले एनकाउंटर के दौरान जब यूपी पुलिस की बंदूकें नहीं चल पाई थी तो पुलिस वालों ने मुंह से ठाए ठाए की आवाज निकालकर काम चलाया था। अब प्रदेश के बलिया में भी पुलिस के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। शुक्र है कि मौका मॉक ड्रिल का था। यूपी के बलिया में पुलिस वालों को आंसू गैस का गोला चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इस मॉक ड्रिल में शामिल होने के लिए करीब 100 पुलिस वालों को बुलाया गया था, लेकिन उस वक्त पुलिस की किरकिरी हो गई जब तमाम कोशिशों के बावजूद आंसू गैस का गोला दगा ही नहीं। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सबसे पहले एक पुलिस अधिकारी आंसू गैस का गोला दागने जाते हैं, लेकिन वो मिस फायर हो जाता है। इसके बाद एक नई कार्टेज लोड करके पुलिस अधिकारी दोबारा आंसू गैस का गोला फायर करते हैं, लेकिन नतीजा फिर वही रहता है। दूसरी बार नाकामी के बाद पुलिस अधिकारी थोड़ा पीछे जाते हैं और तीसरी कोशिश करते हैं। पुराना है क्या सर? लेकिन पुलिस अधिकारी की ये कोशिश भी नाकाम हो जाती है। अब सवाल ये है कि अगर पुलिस को किसी विरोध प्रदर्शन के दौरान यही आंसू गैस के गोले चलाने पड़ते तो क्या होता। बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों का सैलाब उमड़ रहा है। वर्ष 1990 के बाद कार्तिक मास में तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। महज 4 महीनों के दौरान यहां 10 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंचे। कपाट बंद होने से एक महीने पहले ही बद्रीनाथ पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 11.5 लाख को पार कर गया है। कार्तिक महीने में तीर्थयात्रियों का जो सैलाब उमड़ रहा है उसे देखकर स्थानीय लोग भी हैरत में हैं। कार्तिक स्नान के लिए रोज 6 से 7 हजार श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। मंदिर के सिंह द्वार से लेकर ब्रह्म कपाल तक तीर्थयात्रियों की लाइन लगी है। लोग भगवान नारायण के दर्शन के साथ ही पिंड दान कर रहे हैं। बद्रीनाथ के स्थानीय निवासी कार्तिक महीने में वर्ष 1990 के बाद इतनी भीड़ देखने की बात कह रहे हैं, लेकिन बद्रीनाथ के धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल का कहना है कि वो अपने जीवन में पहली बार कार्तिक महीने में तीर्थयात्रियों की इतनी संख्या देख रहे हैं। कई वर्षों बाद हम देख रहे हैं बद्रीनाथ में गजब की यात्रा चल रही है। जो बरसात में यात्री कम थे पूरे के पूरे यात्री कार्तिक में आ रहे हैं। रोड भी अच्छा है और कार्तिक स्नान का महत्व तप्त कुंड का भगवान विष्णु के दर्शन का अलौकिक शास्त्र बताते हैं।